हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका दोस्त हर्षल शर्मा आपको एक और व्लॉग में स्वागत करता हूँ। गाइस, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत टाइम से अपने व्लॉगिंग चैनल पे कंटिन्यू नहीं हूँ। जो भी व्लॉग्स आ रहा है अभी तक वो पुराने रिकॉर्डेड थे, तो अभी तक मैं उन रिकॉर्डेड व्लॉग्स को ही डाल रहा था। अब कोशिश करूँगा कि आपको अभी रिकॉर्ड करके और अभी के अभी डिलीवर कर सकूँ। ये व्लॉग मैं आज 28th of August आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं 30 या 31st तक इस व्लॉग को लाइव कर दूँ। और हाँ, जो आज का व्लॉग है उसको मैं टाइटल से आप समझ ही रहे होंगे कि ये व्लॉग काय का रहने वाला है। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आप सब जानते हैं मेरे को बाइकिंग का बहुत शौक है, मैं बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। और मेरे पास एक वेगा का हेलमेट था, आप लोगों को ये भी पता है, जिसमें मैंने माउंट का सेटअप किया था मोबाइल का। अब उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा आज अपन अपना जो हेलमेट है वो चेंज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं अपना हेलमेट जो वेगा का था उसको अब मैं तलाक दे रहा हूँ। ए बॉय, हेलमेट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं अपने व्लॉगिंग में। और वो हेलमेट है, अच्छा हेलमेट अभी कंपनी का नाम तो मैंने बताया नहीं। चलो, एक्चुअली मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ऑफलाइन मैंने ढूंढा, वो सेम हेलमेट मेरे को कहीं नहीं मिला, तो मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगवाया था। और अब उसकी अनबॉक्सिंग भी बाकी है, अभी तक वो आया और ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है, तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा और आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगा। प्लीज़, अगर आपको सब कुछ पसंद आए, सब कुछ अच्छा लगे, तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अनबॉक्सिंग अब हम स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3। सो गाइस, अनबॉक्सिंग अब चालू करते हैं। अरे यार, अनबॉक्सिंग तो इसी हाथ से स्टार्ट करनी थी, हेलमेट तो आया नहीं, अभी मंगाते हैं। हेलमेट आ जा, जादू मंत्र के लिए अंतर बूम। अरे ये क्यों आ गया, तुझे तो मैं तलाक दे चुका था, तू क्यों आ गया? तुझे नहीं आना था, मुझे मेरे नए हेलमेट को बुलाना था, ये कहाँ से आ जाता है यार? जादू मंत्र वापस से करना पड़ेगा, है ना? जादू मंत्र खिली खिली कंतर, इसको भग जा, मेरा नया हेलमेट आ जा, बूम। ओह, आ गया, मेरा नया हेलमेट आ गया। चलो, बुलाना सफल रहा, सब कुछ मजा आया होगा आप लोगों को, ये सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा वो वाली बात है। तो नया हेलमेट आ गया गाइस, अब इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। हम इसको फाड़ेंगे नहीं यार, थोड़ी इज्जत के साथ में, है ना, अभी नया है तो हम लोग सीजर का यूज कर रहे हैं, सीजर से इसको काटेंगे। आ गया, समझ लो। सो गाइस, नाम दिख रहा होगा, नहीं यहाँ टेप लगा, यहाँ से देखो। जी हाँ, ये रहा मेरा नया हेलमेट, ये एक्सर का हेलमेट है। और जी हाँ, मैंने एक्सर का हेलमेट मंगाया है, अब इसको ओपन करते हैं। सो इसको तो हम रखेंगे साइड में, अब इस कैची का भी कोई काम नहीं रहा है। तो आप लोग रेडी हो सब इस हेलमेट के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मतलब मेरा पहला हेलमेट है जो मैंने मंगाया है इतना कॉस्टली। भाई बहुत सुंदर है, लिटरली बहुत सुंदर है, ये देखो हेलमेट, देखो यार पूरा ग्लॉसी फिनिश में है, वेनमस, यस मैं जहरीला हूँ। ये देखो उसकी पैडिंग वेडिंग बहुत सॉफ्ट है, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और ये कुछ सारे सेटअप है। पीछे एक वाइजर है यहाँ लगाने के लिए, मतलब ब्लेड टाइप में है, जिससे इसका लुक और एनहेंस हो जाएगा, वो यहाँ लगा दूंगा मैं तो और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में अब पहले आप कुछ शॉट्स एंजॉय करो, इतने में आपको फिर हेलमेट पहन के और दिखाता हूँ।
सो गाइज आई होप आप लोगों को शॉर्ट्स पसंद आए होंगे। अभी मैंने हेलमेट केवल बॉक्स में से निकाला है, इसको पहनूंगा। मैंने मेरे हेड का साइज़ मेज़र किया था, वो 57 से 58 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है, इसलिए मैंने इसका एम साइज़ ऑर्डर किया है, मीडियम साइज़। और इसके बाद में एक्सेल आता है, फिर डबल एक्सेल आता है, आई थिंक डबल एक्सेल नहीं है, एक्सेल तक ही है, एस एम एल और एक्सेल, ये चार तरह के साइज़ होते हैं। मैंने एम साइज़ ऑर्डर किया है, अब हम लोग इसको पहनते हैं। और ये ISI मार्क तो आप लोग जानते ही हो, हमारा पुराना। और ये जी हाँ, ये डॉट और ECE से सर्टिफाइड है, और इसका वेट अप्रॉक्स 1.5 किलो, इसमें 1600 ग्राम लिखा है, पर मेरे हिसाब से आई थिंक ये 1555 या 1560 ग्राम्स के आसपास होगा। और अब इसको मैं पहन के चेक करता हूँ कि मेरे को फिटिंग कैसी आ रही है। आई होप फिटिंग बिल्कुल अच्छी आएगी, बाकी पहन के देखते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने इसको पहन लिया है। आई थिंक थोड़ा सा वॉइस आपको स्लो आ रहा होगा, क्योंकि ये एम साइज़ है, और ये देखो बिल्कुल शेक नहीं हो रहा है, ये इसका वाइजर जिसे बोलते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ देखो, यहाँ साइड में एक बटन है, इसको आप ऐसे करेंगे तो ये आपका हाफ फेस का सनग्लासेस आ जाएगा, जो कि आपको दिन में बहुत अच्छा रहेगा। अभी इसमें ये सब हटाना बाकी, ये लगे हुए हैं जो है ना, इसमें से भी ये येलो कलर की जो लगी हुई है पॉलीथीन, ये हटानी बाकी है। इसके वाइज़र के अलग अलग कलर भी अवेलेबल हैं, हम लोग इन फ्यूचर सोचेंगे कि इसको चेंज करना है। अब बाकी बहुत ज़्यादा मतलब अभी शुरुआत में पैडिंग बहुत टाइट है, अच्छा है। जितनी पैडिंग टाइट रहती है आपके फेस पे, उतनी ज़्यादा अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, आपकी बाइक स्लिप होती है, कुछ भी होता है, तो आपका इससे उतना ही ज़्यादा सेफ रहता है। तो अब ये हेलमेट तो आ गया, अब इसको जब भी हम लोग बाहर पहन के निकलेंगे, जब भी जाएंगे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकूँ कि चलती बाइक पे ये कैसा लग रहा है, और क्या मेरी उस टाइम पे आप लोग मतलब मैं कैसा दिख रहा हूँ, बिल्कुल मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको पहन के जाऊँगा। कोशिश करूँगा एक दो दिन में कभी भी निकलूँ, और बहुत जल्दी ये व्लॉग भी लाइव होगा। आई थिंक 31st, मैंने शुरुआत में ही बताया था, 31st या 1st तक मैं इस व्लॉग को लाइव करने की पूरी कोशिश करूँगा, बिकॉज मेरे सिस्टम में कुछ इश्यू है अभी जिसमें मैं एडिटिंग करता हूँ, वो एक बार ठीक हो जाए फिर उसके बाद में मैं इस व्लॉग को लाइव कर दूंगा। अब हेलमेट दिखा दिया, और हाँ ये भी दिखाऊँ, इसके साथ एक बहुत सुंदर सा कवर आया है, इसके अंदर हेलमेट आता है ये, तो अब इसको कवर को हम लोग संभाल के रखेंगे, इसी के अंदर हमें हेलमेट रखना है। तो गाइज आई थिंक अब इस व्लॉग को अपन यहीं करेंगे एंड, आगे जो भी और होगी अपडेट्स आपको सब मिलती रहेगी। पूरी कोशिश है मेरी कि मैं आप कंटिन्यू रहूँ चैनल पर, कंटिन्यू व्लॉग्स बनाऊँ, एंड अभी तक के लिए जो भी डिलेज हुए हैं उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो गाइज व्लॉग को एंड करने का टाइम, आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को करना है, व्लॉग को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और एक कमेंट। और इस हेलमेट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मैं सब क्वेरीज के आंसर दूंगा, आप मेरे को कमेंट करना, विद इन 2, 3 या 4 आवर्स आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, हम लोग जल्दी एक और अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। सॉरी, व्लॉग वापस सेंड कर दूंगा मैं। मैंने सोचा आपको क्यों ना ये ब्लेड लगा के भी इसका हेलमेट का लुक दिखा दिया जाए कैसा रहेगा। तो अब हम ये जो बड़ा वाला ब्लेड है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग तो यूट्यूबर है ना, तो थोड़ा दिखावा तो बनता ही है, तो ये बड़ा वाला ब्लेड इसमें पीछे लगाएंगे। और ये देखो ये लग गया, लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है इससे, थोड़ा सा ये जो इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन है वो निकल के आया है, तो अच्छा लग रहा है। ये बड़ा वाला ही लगाएंगे हम लोग, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस ठीक है, अब व्लॉग हम यही एंड कर देंगे, चलो बाय बाय।